हेलो फ्रेंड्स, यस किचन जोधपुर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाई हूँ दिवाली स्पेशल मोहन थाल की रेसिपी, और इसके साथ एक सीक्रेट रेसिपी और भी है कि लड्डू कैसे बनते हैं इसी मोहन थाल से। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। दोस्तों, आज हम जो मोहन थाल की मिठाई बना रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बेसन लिया है, 1 कटोरी दूध लिया है। इसको हम रेसिपी को बनाने में कितना यूज़ करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। आधी कटोरी मैंने घी लिया है, लगभग 200 ग्राम ये घी है। एक छोटी कटोरी भर करके मैंने चीनी ली है, थोड़ा सा मैंने जावित्री का पाउडर और इलायची फ्लेवर के लिए पाउडर बना के लिया है। कुछ केसर की पत्तियां मैंने दूध में भिगा दी है, ये भी हम यूज़ करेंगे। और थोड़े से मैंने पिस्ता कटिंग ली है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ करें, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़े से बाउल में हम ये बेसन डाल देते हैं और इसी के अंदर हमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 1 बड़े चम्मच जितना घी ऐड कर रही हूँ, बाकी का हम बाद में यूज़ करेंगे। और 1 बड़े चम्मच जितना ही हम दूध डालेंगे। अच्छे से मसलते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। क्वांटिटी का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने बहुत ज़्यादा दूध डाल दिया तो ये गीला हो जाएगा, और जैसा हमें मोहन थाल के लिए बेसन का ये चूरा बनाना है वैसा ये तैयार नहीं होगा। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और ये मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल लाई हूँ कि आप फटाफट से इसे बना सकें। तो 2-3 मिनट इसे हाथों से मसलते हुए हमें इसे रवे की तरह दानेदार बनाना है। देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया हमारा दानेदार बेसन तैयार है। तो एक बार हम इसे मिक्सी में चलाते हुए पीस लेते हैं ताकि किसी भी तरह का लम्स नहीं रहे, नहीं तो मोहन थाल की जब हम चक्की कट करेंगे तो वो बढ़िया नहीं बनेगी। तो दोस्तों, हमने इसे जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, तो अब ये एक जैसा बन गया है। इसे मैं वापस से इस बाउल में निकाल लेती हूँ। दोस्तों, अब पैन में हम ये बचा हुआ घी डालेंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर चलाते हुए सेकेंगे और एकदम से बढ़िया कलर आना चाहिए दोस्तों, तो हमें बड़े आराम से इसे सेकना है, तभी हमारे मोहन थाल एकदम बढ़िया बनेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हुए हैं मुझे सेकते हुए और घी हल्के से इसमें दिखने भी लग गया है, बट हमें मोहन थाल का कलर एकदम परफेक्ट लाना है तो हमें इसको थोड़ा और सेकना है। तो मैं इसे 5 से 7 मिनट और सेकूंगी ताकि एकदम बढ़िया कलर आए। दोस्तों, आप देख सकते हैं बेसन का कलर डार्क होने लग गया है, तो बस हमें इसी स्टेज पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे मैं साइड में रख के चाशनी की तैयारी करूंगी। दोस्तों, हमने जो चीनी ली है उसे मैं एक पैन में डाल रही हूँ और चीनी से आधी कटोरी मैं दूध डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। चाशनी का मैं दोस्तों आपको एस्टिमेट बता दूं कि जितनी आप चीनी लेते हैं उससे आधा दूध या पानी यूज़ करना है, क्योंकि चीनी मेल्ट होने के बाद लिक्विड हो जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं दूध और शक्कर में अच्छे से उबाल आ गया है, लेकिन हमें इस चाशनी को तब तक बनाना है जब तक इसका तार सेट नहीं हो जाए। तो और अगर दोस्तों सर्दी का टाइम है तो आप एक तार की ही चाशनी बनाएं। तो थोड़ा सा हम इसे 2-3 मिनट बॉईल होने देते हैं, उसके बाद तार कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, चाशनी को उबालते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें कि ये गाढ़ी हुई या नहीं हुई। चाशनी को दोस्तों अंगुली पर लेकर के हमें अंगूठे और अंगुली के बीच में इस तरीके से तार चेक करना है। तो आप देख सकते हैं एक तार परफेक्ट बन चुका है, तो बस हमें 10 से 11 मिनट ही चाशनी को उबालना है और ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। दोस्तों, अब हम इसे चूरे के अंदर चाशनी को मिक्स कर लेते हैं और चलाते हुए अच्छे से ठंडा होने तक ऐसे ही हिलाते रहेंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, फ्लेवर के लिए मैंने आपको बताया था कि जावित्री और इलायची का मैंने पाउडर लिया है, आप चाहें तो केवल इलायची भी ले सकते हैं। साथ में ये जो मैंने
केसर की पत्तियाँ भिगोई थी वो भी मैं ले रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों मोहन थाल बनाने में मैंने आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताई है, उनका आप ध्यान रखिएगा तभी ये हमारा परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं घी भी ये वापस छोड़ने लग गया है पैन में। तो अब हमें क्या करना है, इसे थाली में या केक टिन में आप जिसमें चाहें जमा सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसे थाली में खाली कर रही हूँ। दोस्तों हमें थाली में इस तरीके से जमाना है, आप चाहें तो हाथ से, चाहे तो कटोरी से या स्पैचुला, जो आप चाहें उससे प्रेस करते हुए इसे जमा लीजिए। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे प्रेस कर रहे हैं ये घी ऊपर आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपका ये जो बूरा सेका है आपने बेसन का टाइट हो गया है चाशनी में, तो आप हल्का सा गर्म पानी या दूध उसका छींटा मार के इस तरीके से जमा सकते हैं। तो दोस्तों हमने चक्की के लिए यानी कि मोहन थाल के लिए बेसन को जमा दिया है। थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैं इस पर पिस्ता लगा रही हूँ, आप चाहें तो बादाम कटिंग, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों मोहन थाल के लिए ये जम चुका है, तो हमें क्या करना है, अब इसे कट लगाना है। तो आप चाहें जिस साइज़ में से कट कीजिए। तो दोस्तों देखिए कितना बढ़िया हमारा मोहन थाल बनकर के तैयार हुआ है, इजीली हमने कट करके पीस अलग कर लिया है। तो देखा दोस्तों हमने मोहन थाल एकदम बढ़िया से बना करके तैयार कर लिया है, और जो साइडों में कटिंग करने से चूरा हो गया था हमारा, तो उसका भी वेस्टेज नहीं किया है हमने, उसके लड्डू बनाए हैं वो भी लाजवाब बने हैं। तो इस दिवाली पे ज़रूर ये मिठाई बनाएं, और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।